हिंदी सिनेमा के 80 के दशक की बात करें तो इस दौर में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। जितेंद्र वैसे तो पहले से ही साउथ में धमाल मचा रही श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन थे और वो श्रीदेवी के साथ फिल्में करना चाहते थे। ऐसे में जब जितेंद्र को हिम्मत वाला फिल्म में काम करने का ऑफर मिला, जो कि एक साउथ की रिमेक फिल्म थी जिसमें जयाप्रदा ने लीड रोल निभाया था, पर जितेंद्र ने इस फिल्म के लिए डायरेक्टर के राघवेंद्र राव को श्रीदेवी का नाम सुझा दिया और इस तरह से जितेंद्र के कहने पर श्रीदेवी को हिम्मत वाला फिल्म में साइन कर लिया गया। हालांकि श्रीदेवी को उस वक्त हिंदी सही से नहीं आती थी, पर श्रीदेवी ने हिंदी सीखने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अब चूंकि श्रीदेवी की इससे पहले रिलीज एकमात्र हिंदी फिल्म 16 साल फ्लॉप हो चुकी थी, इसीलिए हिम्मत वाला की कामयाबी के लिए श्रीदेवी ने पूरे दिल से काम किया और उनकी ये मेहनत रंग भी लाई। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी अब 54 साल की हो चुकी हैं और इस मौके पर हम आपको श्रीदेवी की कामयाबी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं जो श्रीदेवी के करियर के लिए काफी अहम साबित हुआ था। हिम्मत वाला फिल्म की कामयाबी के बाद जितेंद्र ने अपने सभी प्रोड्यूसरों से ये कह दिया था कि अब वो जो भी फिल्म साइन करेंगे उसकी हीरोइन श्रीदेवी होंगी। यहाँ तक कि जितेंद्र ने हिम्मत वाला फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से भी ये कह दिया था कि जब भी वो उनके लिए फिल्म बनाएंगे तो उसकी हीरोइन श्रीदेवी ही होंगी। और इस तरीके से जितेंद्र और श्रीदेवी ने उस वक्त करीब एक साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 13 बेहद ही कामयाब रही। शायद इसी वजह से दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, तभी तो दोनों के अफेयर्स की खबरें भी सामने आने लगी थी। खुद श्रीदेवी ने एक बार इसे माना भी था। श्रीदेवी के बाद जितेंद्र ने जयाप्रदा के साथ सबसे कामयाब जोड़ी पर्दे पर बनाई थी।